हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आप लोग कैसे मेरे गिल्ड में ज्वाइन कर सकते हो। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हो, लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करते हो, बहुत लोगों का गिल्ड टेस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे बाकी रह जाते हैं जिनका गिल्ड टेस्ट नहीं हो पाता है। मुझे तो गिल्ड वार भी खेलना पड़ता है ना लाइव पे किसी किसी दिन, तो उस दिन तो आप लोगों का गिल्ड टेस्ट नहीं हो पाता, तो आप लोग सैड हो जाते हो। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक उपाय लेके आई हूँ जिससे आप लोग को अब और सैड नहीं होना पड़ेगा, आप लोग आराम से मेरे गिल्ड पे ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आपको वो बता ही देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। प्लीज जल्दी से एक लाइक कर दो, आप लोग भूल जाते हो एक लाइक करना। और आप लोग ना बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो, क्योंकि बहुत लोगों का तो इसलिए गिल्ड पे ज्वाइन नहीं हो पाता क्योंकि वो लोग गिल्ड टेस्ट में आ ही नहीं पाते। मैं लाइव जाती हूँ, उनको पता ही नहीं चलता है, तो लाइव जाऊँ और आप लोगों को पता लगे, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे ना सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, तो बेल आइकन पे क्लिक करके ना ऑल पे कर देना है बेल आइकन को। तब आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन जाएगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन जाएगा, मैं लाइव आऊंगी उसका नोटिफिकेशन जाएगा, मैं शॉर्ट अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन जाएगा, सारा ए टू जेड आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और अगर किसी किसी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है बेल आइकन कॉल पर सेट करने के बाद भी, तो एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों को नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो दिक्कत है ये कुछ दिन से हो रही है यूट्यूब पे, वो ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करो। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग मेरे इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप पे ज्वाइन हो जाओ, आप लोगों का गिल्ड पे ज्वाइन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का नाम तो मेरा यही है साक्षी सोना, आप लोगों को ये नाम कैसा लग रहा है, मैंने ये नाम चेंज किया है। इंस्टा पे आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हो न्यू पर्सन, तो आप लोग सिर्फ मेरे को एक ही मैसेज कर सकते हो, तो आप लोग को वो फर्स्ट मैसेज हाई नहीं होना चाहिए, आप लोगों का वो फर्स्ट मैसेज कुछ और होना चाहिए। तो यहीं से आप लोग सुन करके चले गए और इंस्टा पे मैसेज कर दिया, ऐसे नहीं, आप लोग पूरी बात सुनो। अगर आप लोग जाके हाई मैसेज कर दिए उसके बाद आप लोग मैसेज ही नहीं कर पाओगे, मुझे 100 से 150 हाई मैसेज आते, तो मैं कैसे पहचानूंगी कि कोई गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए हाई बोल रहा है या फिर कोई स्कैमर है, तो मैं तो नहीं समझ पाऊंगी, आप लोगों को मैं फर्क नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना, तब आप लोगों को समझ आएगा आप लोग गिल्ड में कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोगों को इंस्टा पे पहले तो मेरे को फॉलो कर लेना, उसके बाद आप लोगों को जाना है अपने यहाँ पे गिल्ड में, ठीक है। गिल्ड में जाने के बाद आप लोगों को जाना है ये गिल्ड वार वाले सेक्शन पे, वहाँ पे जाने के बाद ना आप लोगों को यहाँ पे नीचे में एक मैच रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखता है, मेरा हिंदी सेट किया हुआ क्योंकि मुझे हिंदी पसंद है, ये नहीं कि मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में ना एक ऑप्शन दिखता है ये बेल के बगल में, ठीक है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और इसका एक ऐसे जैसे मैं स्क्रीन शॉट ले रही हूँ वैसे आपको एक स्क्रीन शॉट ले लेना, और आपको क्या करना है ये स्क्रीन शॉट और एक स्क्रीन शॉट आपको लेना है, इसका तो ले ही लेना है, और जाना है अपनी आई डी पे यहाँ पे और अपनी आई डी का एक स्क्रीन शॉट लेना है। ये दो स्क्रीन शॉट आपने ले लिए, आपको इंस्टाग्राम पे मुझे ये भेजना है। अगर आपका ये शो कर रहा है दोनों स्क्रीन शॉट एक साथ नहीं जा सकता, तो आप लोग ये वाला स्क्रीन शॉट पहले भेजो मुझे, ये जो आप लोगों ने गिल्ड वार पॉइंट दिया ना, ये जो आप लोगों ने गिल्ड वार पॉइंट दिया इसका स्क्रीन शॉट आप लोग पहले मुझे भेज दो, मैं ये चेक कर लूँगी, उसके बाद मैं आपसे मैसेज करूँगी, उसके बाद आपसे जो भी बात करना होगा गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए वो वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप लोगों का कम से कम, मैं तो दो आई डी से खेलती हूँ, देखो मैं दिखाती हूँ, मैं गिल्ड पर दो आई डी से खेलती हूँ, एक आई डी से नहीं। आप लोग कैसे चेक कर सकते हो आप लोगों के गिल्ड में कितने मेंबर्स कितना पॉइंट देते हैं, तो आप लोगों को गिल्ड पे आ जाना है। देन यहाँ पे एक गिल्ड स्टोर के बगल में एक्टिविटी लीडर बोर्ड रहता है, इसमें आने के बाद गिल्ड वार लीडर बोर्ड रहता है, उस पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत लीडर बोर्ड, ठीक है, तो इस पर आने के बाद आपको शो करेगा किसने कितना पॉइंट दिया है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक आई डी से 141 पॉइंट दिया है, और मेरी एक दूसरी आई डी है ये वाली, इससे मैंने 110 पॉइंट दिया है। तो मुझे दो आई डी से खेलना पड़ता है, और मैं दो ही दिन खेल पाती हूँ, वेडनेसडे और सैटरडे, क्योंकि संडे को आज को मैं गिल्ड टेस्ट लेती हूँ, ठीक है, तो मैं दो ही दिन खेल पाती हूँ, तो मैं इतना पॉइंट दे पाती हूँ। तो इतना पॉइंट आप लोगों को नहीं देना, आप लोगों को देना है 250 पॉइंट। आज तो संडे की सुबह है ना, इसलिए इन लोगों का इतना पॉइंट नहीं हुआ है, लेकिन संडे की मतलब 12 बजे से पहले इन लोग सभी का 250 पॉइंट हो जाएगा, आराम से आप लोग देख लेना। अभी इन लोगों ने इतना करके रख लिया है और इन लोगों का शाम तक 250 पॉइंट हो जाएगा। हाँ तो गाइज आप लोगों को 250 पॉइंट देना है, ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे देखना आप लोगों का पॉइंट कहीं कम तो नहीं है। आप लोगों को अगर 250 ना भी हो तो 200 तो हो ही जाना चाहिए, और 200 भी ना हो तो 150 इतना तो होना ही चाहिए। अगर उससे कम होगा तो फिर मैं आपको गिल्ड पे नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मुझे गिल्ड वार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और गिल्ड वार पॉइंट कैसे होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप लोग समझो वेडनेसडे सैटरडे और संडे 7 से 10 बजे तक खेले, और आप लोग लगातार खेले जा रहे हो, और आप लोग पर मैच में एक एक किल कर रहे हो, ठीक है, ओनली वन किल या किसी में दो किल कर लिया, तो आप लोगों का किसी कीमत पे नहीं होने वाला है। आप लोगों को समझना पड़ेगा पॉइंट काउंट कैसे होता है। तो समझ लो मैंने खेला है यहाँ पे 5 मैच, यहाँ पे काउंट होता है, ठीक है, तो देखो मेरा 5 मैच कैसे काउंट हुआ है, मैंने एक एक किल भी बहुत सारा, मैं तो दोनों दिन 7 से 10 बजे तक लगातार खेली हूँ, तो क्या मैंने सिर्फ इतना ही खेला है, इतना ही क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना ही नहीं होता। यहाँ पे टोटल 5 काउंट हुआ है, जो मेरा टॉप मैच था, मैंने बहुत सारा मैच खेला उसमें एक किल किया होगा, लेकिन मैंने 7 किल जिस मैच में किया वो काउंट हो गया। आप लोगों का टॉप 5 मैच काउंट होगा, जितना भी आप खेलोगे ना उसमें से सिर्फ 5 मैच काउंट होगा जिसमें आप सबसे ज्यादा किल करोगे। तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि आप लोग सबसे ज्यादा किल करो। और गिल्ड वार में पॉइंट कैसे कमाते हैं, आप लोगों को कैरेक्टर स्किल तो मैटर करता है, तो मैं एक कैरेक्टर स्किल आप लोगों को बता दे रही हूँ गिल्ड वार खेलने के लिए। तो ये रहा बेस्ट कैरेक्टर स्किल, आप लोगों को लिक्विटा, दशा, मारो और आयरिस ले लेना, इससे आप लोगों का किल आराम से हो जाएगा, ठीक है, और एजेंट हुक पेट ले लेना, और यहाँ पे पॉकेट मार्केट, जिससे अगर आप लोगों का कोई
दोस्त किसी कारण से नॉक हो गया तो आप लोग रिवाइव दे सकते हो। और आप लोग इस पॉकेट मार्केट से वहाँ पे MP5 भी निकाल सकते हो। अगर आप लोग पीक पे उतर रहे हो, गन नहीं मिल रहा है, तो MP5 निकाल सकते हो फ्री में, ठीक है। आप लोगों को ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ले लेना है। आप लोगों के स्क्वाड में एक बंदा रहना चाहिए जो आप लोगों को रिवाइव देगा जोन में रह के, वो किल नहीं करेगा। आप लोग 3 जन किल करोगे और वो 1 जन आप लोगों को रिवाइव देगा जोन में जाके, ठीक है, और टोकन क्लेम करके। तो उसका कैरेक्टर ये होना चाहिए, फॉर्ड होना चाहिए, के होना चाहिए, मीसा होना चाहिए, सुजी होना चाहिए, ठीक है। और साथ में पेट में उसको रखना चाहिए ओटेरो या फिर एजेंट हुप, ये ईपी उसको प्रोवाइड करेगा। और उसको भी पॉकेट मार्केट ही रखना है अपना लोडआउट में, ताकि वो आप लोगों को टोकन से रिवाइव दे पाए अगर वो मशीन के पास में ना हो। तो उसको यही कॉम्बिनेशन रखना है किसी भी कीमत पे जो रिवाइव देगा। एक बंदे से आप लोगों को हर बार बात करना है कि वो रिवाइव देगा। आप लोग एक्सचेंज करो, एक बार आप रिवाइव दो, एक बार वो देगा, जिससे सबका एक एक राउंड किल हो जाए, ठीक है। तो आप लोग को ये करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं खेलोगे तो आप लोग का किसी कीमत पर पॉइंट वगैरह नहीं हो पाएगा। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा आप लोगों का रिवाइव देने वाला बंदा का, जिसको किल करना है उसका एक बंदा का। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रख लेना जो कि आयरिस यूज़ करना जानता हो। अगर आयरिस यूज़ करना नहीं जानता है तो ऑरियन वगैरह का या फिर वुकोंग का कैरेक्टर लगा सकता है। मैं तो ये वाला लगा के खेलती हूँ। मेरे स्क्वाड में एक बंदा ये स्किल लगा के रखता है जो सबको रिवाइव देता है, तभी हम लोगों का इतना पॉइंट हो पाता है। नहीं तो हम लोग भगवान नहीं है, हम लोगों का भी पॉइंट होना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना है, इंस्टाग्राम पे DM कर देना है। मैं वहाँ पे आप लोगों का देखूंगी कि आप लोगों का पॉइंट सही है क्या, तो फिर मैं आपको मैसेज बैक करूंगी। आप लोगों को एक BR रैंक का भेजना और एक CS का भी स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना है। सब कुछ सही लगेगा तो मैं आपका UID मांग के आपको अपना गिल्ड का UID दूंगी, उसमें रिक्वेस्ट भेजने बोलूंगी। तो आप रिक्वेस्ट भेज दोगे तो फिर मैं यहाँ से आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगी आपका नाम देख करके, ठीक है। मुझे जो रिक्वायरमेंट है मैंने आपको बता दिया है। और आप लोगों का लेवल कम से कम 40 तो होना ही चाहिए। 40 से कम लेवल होगा तो मैं आप लोगों को गिल्ड पर नहीं ले पाऊंगी, सॉरी। आप लोग BR और CS दोनों पे हीरोइक पे होने चाहिए। जब आप लोग गिल्ड पे आ जाओगे तो आप लोगों का नेम चेंज करके GG रखना पड़ेगा आगे में, क्योंकि मेरे गिल्ड का नाम अभी GG साक्षी लाइव है ना, तो आप लोगों को नाम के आगे GG लगाना पड़ेगा। आप लोगों को पर डे 3000 का ग्लोरी देना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसने कितना ग्लोरी दिया है, 8715 का दे दिया है रवि नाम के प्लेयर ने, ठीक है। और वो कैसे होगा, गिल्ड के बंदों के साथ खेलोगे आराम से हो जाएगा 1 घंटे खेलने से भी। अगर आप लोग किसी और के साथ खेलोगे तो नहीं हो पाएगा। और आप लोग जब मेरे गिल्ड पे ज्वाइन हो जाओगे तो उसके बाद मैं आपको इंस्टाग्राम के एक गिल्ड के ग्रुप पे ज्वाइन कर दूंगी। वहां पे मैं जब जब कुछ मैसेज करूंगी, नोटिस दूंगी, तो वो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमको लग रहा है आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि आप लोग गिल्ड पे कैसे ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को बैनर अवतार सेम रखना पड़ेगा। कौन सा, ये आप लोगों का अवतार रहेगा और बैनर ये वाला आप लोगों का रहेगा, वायलेट कलर का, बैगनी कलर वाला, ठीक है। और गिल्ड में किसी भी बंदे को गाली नहीं देना है। किसी के साथ खेलना है तो बात कर सकते हो। गिल्ड के जो सब भी ऑफिसर है उनसे आप लोगों को रिस्पेक्ट से बात करना है। वो लोग गिल्ड के यहाँ पे ग्रुप पे कुछ मैसेज करेंगे तो उनकी बात सुननी है, ग्रुप पे बुलाएंगे तो उनकी बात सुननी है, क्योंकि वो लोग आपके लिए ही बुलाएंगे क्योंकि आप लोग गिल्ड से किक ना हो, इसीलिए ही बताने के लिए, वार्निंग देने के लिए बुलाएंगे। नहीं तो अगर आप लोग नहीं आओगे तो फिर आप लोग किक हो जाओगे गिल्ड से बिना ही किसी वार्निंग के, क्योंकि आप लोगों को वार्निंग देने के लिए बुलाया गया मगर आप लोग आए ही नहीं, तो आप लोग फिर किक हो जाओगे। इसीलिए आप लोगों को सारा बात सुनना है, रूल फॉलो करना है, और आप लोग बिना गिल्ड टेस्ट दिए इस टाइप से आप लोग गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हो। जो लाइव पे ज्वाइन होकर भी नहीं दे पाते गिल्ड टेस्ट, ऐसे तो लाइव पे हो ही जाता है सबका गिल्ड टेस्ट, लेकिन जिनका नहीं हो पाता है, जो देरी से ज्वाइन करते हैं, तो वो इस टाइप से दे सकते हैं। मैंने बता दिया है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या समझ नहीं आया है, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में ज्वाइन करने के लिए। एक लाइक कर दो प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो। लव यू ऑल।